गाड़ी स्टार्ट है बेटा, गाड़ी ज़रा स्टार्ट करें। ये जी गाड़ी स्टार्ट, इसके इशारे चला के दिखाएं, इंडिकेटर चलता है, इशारे चलते हैं जी, बंद अब तक चलाएं, कोई नहीं चलता। क्या नाम क्या होगा? साजिद। साजिद बेटा, ये इशारे क्यों नहीं चल? वो बस तारे टूट गए थे इसलिए वो सोच कर। आप बेटा बात सुने ना, आपने अब राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, तो कैसे लेंगे? हाथ का इशारा देते हैं, देखते हैं शीशे के अंदर क्या। बेटा हाथ के इशारा तो आपके आगे तो बुजुर्ग हैं, इधर माँ जी बैठे हैं पीछे, बैग पे क्या है? देखे तो सही ना। मैं एक मिनट, आप बैठ रुको बेटा, मैं आता हूँ जी इनकी तरफ, वापस आता हूँ बैग से भी। ये सेफ्टी नहीं है जी इधर, ये बात ठीक है इनकी, ये बिल्कुल बात ठीक है। फैमिली बैठी है और फैमिली जब यहाँ से मूव करती है तो उसकी सेफ्टी भी नहीं है, और इनका कहना है कि ये हाथ से इशारा करते हैं। हाथ हाथ बाहर निकालें भला, तो ये कैसे नजर आएगा? आप सामने कैसे देखोगे? आप सामने कैसे देखोगे? आप हाथ निकालो बाहर, जरा हाथ निकालो, तो इतना तो पीछे को नहीं पता चलेगा कि आपने हाथ निकाला। देख के मोड़ते जो शीशा लगा, हाथ भी इशारा देते हैं। ये तो आपके लिए लगा है, पिछला बेचारा आपको, आपने राइट जाना है लेफ्ट जाना है पीछे तो नहीं मेरा बेटा पता चलेगा ना? ठीक बात है गलत बात? मेरा बच्चा आपकी अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है ना, क्या ख्याल है? इतने आप खूबसूरत हैं माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन यार अपनी आप सेहत का ख्याल करें, लोगों की सेफ्टी का ख्याल करें। बच्चा बैठा हुआ है, ये सेफ है? ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है, जरा देखे जरा, ये सेफ नहीं है। गुजारिश ये है कि उन बॉडी मेकरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके एक एक बॉडी मेकर की हजारों हजारों बॉडी हैं और लोकल बॉडी हैं। क्या सेक्टी ट्रांसपोर्ट या सेक्टी आरटीए, ये जो लोकल बॉडी पर चलने वाले रक्शे हैं उनको बंद नहीं करवा सकते? और जो रजिस्टर्ड शुदा रक्शे चिंगची हैं उनको ये सड़कों पर क्यों आने से रोकते हैं? ये एनवायरनमेंट के लिए भी मसला है, माहौल के लिए, लाहौर के हुसन को अगर ख़राब किया हुआ है तो इन धुआंधार रक्शों ने किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इनका रिजक छीन लेना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इनको इसके मुतबादल ये रजा कराना तौर पर, इनसे मालियत के तौर पर ये हुकूमत जब्त कर ले और इनको रजिस्टर्ड शुदा रक्शे फराहम करे ताकि ये अपना रोज़गार भी कमा सकें। और ये मौत की सवारी है जिसके ऊपर ये बेचारे सफर करते हैं। मेरे साथ कुछ पूछना है आपने? यही है कि एक तो मौसमी हालात से ये सवारी अनसेव है, उसमें सेव नहीं है, बारिश है तो वो सवारी भीग रही है, गर्मी सर्दी में डायरेक्ट जो है ना धुआं भी डायरेक्ट सवारी के ऊपर आ रहा है, सेव सवारी बिल्कुल नहीं है, ये इंतहाई डेंजरस है, किसी भी वक्त कोई भी बड़ा एक्सीडेंट इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर के कंट्रोल में इसका बैलेंस नहीं रहता, इसकी वजह से भी इसको जो है ना मेन कंट्रोल करना चाहिए। ये ठीक बात है, आप फिर इसका कुछ कर लेंगे जी? कर लेंगे जनाब। क्या क्या करने वाला है बताएं? इशारे वो जला लूंगा मैं, देखने वाला बकाया शीशा है लगा। और चार बेटा सवारियां बिठानी है, पांचवें आप पीछे नजर, ठीक है? पीछे डक लगा हुआ, पीछे कैसे देखते हो? पीछे तो कोई चीज देखने के लिए है ही नहीं। अब ये जो शीशा है वो पीछे, वो आपने डेक लगाया हुआ, पीछे तो आपको नजर ही नहीं आएगा, आपको कैसे पता पीछे कोई चीज आ रही है? डेक में कौन सा तावला सुनते हो? क्या सुनते हो? वो गाना अच्छा आता है तुम्हें? कोई गाना नहीं आता। कौन सा म्यूजिक सुनते हो? जो सब आते हैं वो सुन ले शुरू। वैसे अंदाजन कौन सी केस्टें होती हैं तुम्हारे पास? केस्टें से कार्ड होता है जो कार्ड में कौन कितने गाने हैं कार्ड में? अंदाजन नहीं, जितने भी आ जाते हैं उतने चला लेते हैं। ज़्यादा किसके गाने हैं? इंडियन हो गए, पंजाबी हो गए, जो मिक्स होते हैं बस। पंजाबी ज़्यादा सुनते हो? हाँ जी। पंजाबी ज़रूर सुनो, तुम्हारा गाना सुनना, फिल्में देखना, जो मर्जी करना तुम्हारा हक है, लेकिन मेरा बच्चा सड़क पर अपनी सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी सबसे बड़ा, जो लोगों की तुम्हारी सबसे बड़ी है जिम्मेदारी। यार मेरा पुत्र कितना प्यारा बच्चा, मैं तरसा कसम अल्लाह दी, ए अल्लाह ना करे को मसला पेश आ जाए ना इस तरह, इन्हें सीट है तो बैठाओ नहीं तो इन्हें पीछे बैठाओ, पीछे बैठे तो वापस अल्लाह ताला जिंदगी करे ना दी है। अच्छा गुजारिश ये है कि क्या खाली सिटी लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है या यंग डॉक्टर्स जो एक डॉक्टर का पेशा है उसको छोड़ के महकमे वालों को कह रहे हैं कि इनका ख्याल रखें, इनके खिलाफ ऑपरेशन करें? नहीं, यह सेक्टरी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है, यह लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी है। वो पॉइंट व्यू देने तक नहीं आते। डीसीओ लाहौर की जिम्मेदारी है। उस्मान साहब जो एजुकेशन प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने उनसे बीसीओ दफा राब्ता किया लेकिन उन्होंने पॉइंट व्यू देने से इनकार किया। देखे अगर उन्होंने इनकार किया है, चलो ये तो प्रोग्राम के लिए इनकार किया ना, मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली कुछ कर लें, प्रैक्टिकली कुछ कर लें, इनको एजुकेट करें, इनको एजुकेशन दें, चलान हल नहीं है। एक मिनट, आप कहाँ रहते हैं जी? मुल्तान चुंगी में रहता हूँ। मुल्तान चुंगी में सबसे अच्छी चाय कौन बनाता है या दही अच्छा कहाँ से मिलता है? दुकानें होती है उधर से। दुकानें हैं, तुम्हें पता है ना उन दुकानों का? अच्छा नान कौन लगाता है?
नान उधर लगते हैं। लगते हैं, उसे सारी बातों को पता है, आगाही का मसला नहीं है। असल हम समझते हैं कि इनको आगाही का मसला है। ये बड़ा सियाना बहना है, इसे ये भी पता है अच्छी शॉपिंग कहाँ से होती है, मेरा इसे ये भी पता है कि गाना कौन सा सुनना है। अच्छा जो दही, दही सर मसला कुछ और है, दही और नान है ना, सर मसला आगाही का नहीं है। आप दूसरी, आप फिर मौकफ को चेंज कर लेते हैं, आगाही का मसला ही नहीं है। आगाही का मसला है नहीं, नहीं इसको एजुकेशन, बेहिसी का मसला है, बेहिसी सर इसे पता है। नहीं 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 का मसला है, नहीं 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 आप और तरफ जा रहे हैं। नहीं इसको एक मिनट, कितना कमाते हैं आप बेटा? जो बन जाए। अच्छा इशारे की तार से कितने रुपये लगने? 15-20 रुपए था, 100 रुपए था। ये गुर्बत का मसला है जी, मैं कह रहा हूँ गुर्बत की वजह से रक्षा चला रहा है ना वो 2500 दियो ने जैकेट पाई है, तुसी गुर्बत का मसला दस रहे हो। तलाश को और खुदा का खौफ करो। बादशाह मेरा मौकफ ये है। मोबाइल कौन सा तुम्हारे पास? एक मिनट, मोबाइल कौन सा? एक मिनट यार, ठहर जाए ठहर जाए। मोबाइल कौन सा बेटा? ऐ गुर्बत का मसला है। हेलो, ए गुर्बत सर उसे पता है, सर उसे पता है सैमसंग रखना है, ठीक है गिफ्ट मिल गया। चलो मिल गया ना, अब बात सुन ले, गुजारिश है कि इसे सारा पता है, बेहिजी की इंतहा है कि ये नहीं करेगा भाई, आप करें। जब तक कानून सड़क पे नहीं होगा ये नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आगाही है, बेहिजी का मसला है, मैं ये कह रहा हूँ। आगाही तो चले, आगाही मुहिम चला रहे हैं जी। गुजारिश ये है कि इसकी एजुकेशन करें, इनको इनको एजुकेशन दे, प्रॉपर एजुकेशन दे इनको, ठीक है ठीक है। स्कूलों में तालीम दें छोटे बच्चों के लिए, 8-10 टॉपिक्स का एक निसाब में शामिल करें, उनको बताएं कि ट्रैफिक के ये नुकसान आते हैं, इतने लोग मर गए हैं, इस तरह है प्रेपर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएं। इसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इस पर डंडे की जरूरत है। वाकई ये सही, आप सही कह रहे हैं कि ये इस पर आपको उन लोगों को पढ़ाने की जरूरत है जो 80% तबका स्कूलों को ही नहीं जाता। नहीं उनको भी किसी ना किसी तरह पढ़ाएं, बाकी बच्चे तो ठीक है, वो तो आप डिसेंट बिहेव करते भी लोग नजर आएंगे। नहीं मगर मुझे मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना है। गुजारिश ये है कि इन हकीकत बात है, प्रेप से नर्सरी से शुरू करें, फिफ्थ क्लास तक निसाब में पढ़ाया जाए। जो स्कूल ही नहीं जाता वो क्या करे? इसलिए हमारी ठीक है। कितना पढ़े बेटा? हेलो कैसे पढ़ाएंगे, स्कूल ही नहीं गया ये आप तो तजवीज है सर, इस तरह नहीं है की। सर मैं बताता हूँ सर, ट्रैफिक कानून और ये हमारे जुबैर साहब खड़े हैं और जो मुतलका इदारे हैं वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सड़क के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आएगी, ये नहीं होगा। आगाही उसे पूरी है, उसे ये पता दही कहाँ से अच्छा मिलता है, कुलचा कहाँ से अच्छा मिलता है, समोसा अच्छा कहाँ से मिलता है, मोबाइल कौन सा रखना है, वो आगाही है। ये नहीं पता इशारा लगवाना है, तो ये सारी सूरत है। दीगर कुछ चिंची रिक्शे जो हैं, चिंची से कहना गलत है, मोटरसाइकिल रिक्शा है ये बेसिकली, चिंची नहीं है। कुछ और रिक्शे भी हम चेक करते हैं, उनको भी देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस तरह है। और भी आए हैं जी, एक मिनट, इधर भी बैग पे भी आए, ये देखें, ये भी देखें, दूसरा रिक्शा देखें ना, आए जी आए आए आए, वो भी चेक करते हैं। ये सूरत हाल है यहाँ की जी, स्कीम मोड की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, बड़ा मेन इलाका है, इकबाल टाउन को जाता है। और अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम वालेकुम, रुको बेटा, सार्जेंट साहब ने रोका बेटा, सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आए जुबैर साहब किधर हैं? जुबैर साहब किधर हैं जी? जुबैर साहब किधर? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, लाइसेंस नहीं बना अभी तक, आईडी कार्ड बना हुआ है, आईडी कार्ड दें अपना, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स वो सर के पास है। फाइन कर दिया आपने? फाइन कर दिया जी, ये ओवरलोड इन्होंने किया था, अपने साथ सवारी बिठाई जो नहीं बिठा सकता, तो इनका मैंने फाइन किया। फ्रंट पे सवारी बैठा, कितनी सवारियां बनाई बिठाई आपने? सवारियां तो तीन है सर, ये बस सामान है उनके साथ, लेडीज सवारियां सामान। मेरा बच्चा ये दो आगे भी बिठा लिए? नहीं नहीं आगे तो एक ही बैठा, ये वैसे आगे बैठ गए, आगे तो नहीं बिठाना, सवारी नहीं है, ख्याल रखा करें ना यार, ठीक है ये आप इसको बिठाएंगे तो पीछे फिर आप खुद देख नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, नहीं बिठाएंगे। इशारे शुरू चल रहे हैं रिक्शे के सारे? सब कुछ चल रहा है सर, कुछ चेक करवा दें जरा, जुबैर साहब देख लें जरा चीजें सारी, ठीक है? राइट इशारा चलाएं, लेफ्ट वाला चलाएं, नहीं चल रहा जी, नहीं चल रहा यार, रक्षा भी तो 2018 का नंबर लगा हुआ है, 2018 का नंबर लगा हुआ, रक्षा तो नया, अभी इशारे नहीं चल रहे तो फिर बाद में 2 साल बाद क्या चलेंगे? नंबर जाली ना, रिक्शा ड्राइवर की तो गलती है क्या, साथ बैठने वाले की गलती नहीं है? पीछे सामान देखे कितना, चीखों की आवाज आ रही है, फैमिली बैठी होगी, कोई फैमिली है, कौन है फैमिली पीछे देखे, फैमिली है, ओवरलोडिंग है, और फैमिली को भी सोचना चाहिए कि मैं कोई दो रिक्शे कर लूं, 200 रुपए का क्या फर्क पड़ेगा, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए, सारा गुस्सा और सारा इल्जाम ड्राइवर पे आएगा, ठीक है नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ ड्राइवर की पहली जिम्मेदारी है कि वो बिठाए ही ना, मैं कह रहा हूँ वो ना बिठाए, इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये ना बैठे, दो रिक्शे ले लें।
ठीक कह रहे हैं। ये देखे ना, ये देखे, ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है ना, ठीक बात। इसलिए भैया डॉक्टर साहब वाली बात, आने वाली नस्ल को एजुकेशन की जरूरत है और मौजूदा अपना जो डंडे की जरूरत है। नहीं नहीं, प्यार से समझाएं, इंप्लीमेंट करें कानून को। आप प्यार से भी कानून इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको गुस्से की, शाउट करने की या किसी को डांटने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिसी अपनी प्यार से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। और जुबैर साहब बता रहे थे कि इन्हें बड़े प्यार से बिहेव करना पड़ता है, लेकिन आगे से लोग इनके साथ जब बात करते हैं तो वो शायद उस प्यार के दामन को भूल जाते हैं और अपनी अखलाकी कदरें जो हैं उन्हें खो देते हैं, और उन्हें शायद बताया नहीं जाता कि बात कैसे करनी है, बात का सलीका क्या होना चाहिए, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं होने चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर आप आगाही देनी चाहिए, और ये वो चीज़ें कि आपका इंडिकेटर चलता है नहीं चलता, ये सबको पता होता है। और नेग्लिजेंस है, बेहिसी की इंतहा है, ये यहाँ की सूरत है। कुछ और चिंगची रिक्शे जो हैं वो भी हम चेक करते हैं। जुबैर साहब साथ है, अवामी रिक्शा यूनियन साथ है, हमारे वाइडिया साथ है, आप हमारे साथ रहिए।